को लेकर ये आरती के जो पात्र हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। आप इधर भी देख सकते हैं किस तरह से इनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसके ऊपर ये शेषनाग लगाया जा रहा है ताकि जो इसकी भव्यता है और खिल के आती है, और इसके जरिए जो काशी की जो परंपरा और संस्कृति है उसको भी दिखाने का काम होता है। हमारे साथ काशी की इस महा आरती जो गंगा आरती होने वाली है उस संस्था के प्रधान अर्चक मौजूद हैं इस वक्त, आचार्य रणधीर जी। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे। रणधीर जी, काशी में आज विशेष है दिन, किस तरह का ये होने वाला है और किस तरह की आरती होने वाली है आज काशी में? जी, जिस प्रकार हम लोग तो प्रतिदिन 7 आरती करते हैं, लेकिन आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के दिन हम 21 बटुकों को लेकर के और 42 रिद्धि सिद्धियों के साथ माँ गंगा का वृहद महाआरती का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं माँ गंगा के समक्ष। और इससे पहले हम लोग पहले माँ गंगा की 1600 प्रकार पूजन करते हैं, उसके बाद ये सभी पात्रों के द्वारा माँ गंगा का विधिवत महाआरती किया जाता है। जिस तरह से काशी की परंपरा रही है भगवान को पहले याद करने के बाद ही किसी शुभ काम की शुरुआत होती है, तो कल किस तरह का खास होने वाला है आयोजन? जैसे भगवान के पहले तो पूजा, भगवान का सबसे पहले पूजन होता है 1600 प्रकार से, तो जिस प्रकार हम लोग माँ गंगा का सभी अतिथियों का अभी कुछ देर में के बाद माँ गंगा का पूजन करवाएंगे अतिथियों के हाथ से, उसके बाद फिर हम लोग माँ गंगा का विधिवत आरती करेंगे। जिस तरह से इनका कहना है कि विधिवत पूजन के बाद 1600 पूजन होगा माँ गंगा का, उसके बाद महाआरती होगी। महाआरती में शामिल होने के लिए बहुत से स्टार आने वाले हैं, अभिनेता से लेकर राजनेता तक सबकी मौजूदगी रहने वाली है। और इस बार देव दीपावली की भव्यता इसलिए भी बृहद है क्योंकि सरकारी खर्च पर यह आयोजन हो रहा है, राजघाट पर भी लेजर शो जारी है और तमाम चीज़ें काशी में हो रही हैं जिसको अंतिम रूप देने का काम चल रहा है। और आज शाम को भगवान जो देवता होते हैं वो धरती पर उतरेंगे, काशी की धरती पर उतरकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे और उनके स्वागत के लिए लाखों दिए टिमटिमाएंगे। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।